नमस्ते दोस्तों, हैप्पी दिवाली। और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देकर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल स्कारलेट गाइस में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ग्रीन दिवाली के ऊपर बेस्ड एक वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गो एंड एंजॉय आवर वीडियो। दीदी दीदी, क्या है? आपको पता है इस बार हम दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ सकते, सरकार ने मना किया है। मैंने अभी अभी टीवी में सुनकर आया हूँ। सरकार ने ठीक ही तो किया है। क्या ठीक करा? अगर दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ू तो दिवाली का मजा ही क्या रहेगा? नहीं बुद्धू, इस बार हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि पटाखे कैसे बनते हैं और पटाखे फोड़ने से क्या होता है तुझे पता है? कुछ नहीं होता पटाखे फोड़ने से। नहीं, आज चल मेरे पास बैठ, मैं तुझे समझा दूंगी। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज के बेल लाकर आकृति के जैसे नली के अंदर भर दिया जाता है, और जब हम इस पटाखे को जलाते हैं तो मिश्रण के चलते ही अत्यधिक गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वो बहुत अधिक तेज धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती है। विषैली गैसें? फिर तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होगी शायद। हाँ, ये गैसें ना केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षी और वनस्पति के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, और एक बात बता रही हूँ, सुनो। प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, और फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे ओजोन लेयर पर बड़े बड़े छेद हो गए हैं। ओ दीदी, जो हम पटाखे फोड़ते हैं उससे भी क्या ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच जाता है? हाँ बिल्कुल, यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों से इसी तरह धुआं निकलता रहा तो पता है क्या होगा? नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं पता, आप समझा दो ना। तो सुन, अगर फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों से इसी तरह धुआं निकलता रहा तो ओजोन लेयर पे पड़ चुके छेद और भी खुल जाएंगे। इससे सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस फसलों, पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारे मनुष्य जाति को खत्म कर देगी। और एक बात सुन, इस धुएं से क्षय रोग, हृदय रोग और श्वास रोग जैसे घातक बीमारियां तक हो सकती है। दीदी, क्या ये बीमारी हमें भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ओ अच्छा, तो ऐसी बात है। हम पैसे भी खर्च करें और अपना खतरा भी मोल रहे, अब से मैं कभी क्रैकर नहीं खरीदूंगा। हाँ, और हमें हमेशा क्रैकर फ्री दिवाली मनाना चाहिए। हमें रंगोली बनाना चाहिए और दिए जलाना चाहिए। मम्मी हमारे लिए टेस्टी से खाना बनाती है, वो सब हम एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही हमें दिवाली मनाना चाहिए, समझे कुछ? ऐसे ही आप सबको हम कह रहे हैं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाइए और इस वर्ल्ड को ग्रीन वर्ल्ड बना दीजिए। हैप्पी दिवाली। ये देखिए, हमने इस बार दिवाली क्रैकर फ्री मनाया और रंगोली भी बनाया। कैसा लगा आप सबको जरूर बताइएगा। मुझे पता है थोड़ा मैसी है, पर पहली बार बनाया है और
प्लीज बताइएगा। ये देखिए, लीजा दीदी ने भी इस बार रंगोली बनाया है और क्रैकर फ्री दिवाली मनाया है। ये तो बहुत अच्छा रंगोली है। अब हम दिया जलाने वाले हैं। ओ तो कैसी लगी आप सबको हमारी आज की वीडियो? और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक बार विश कर रही हूँ हैप्पी दिवाली और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो मिलते हैं आप सबको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।